देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का दंगल और मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है और सभी पार्टी के नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी के चलते प्राइम टीवी के संवाददाता ने भिंड में जाकर लोगों से उनकी राय जानी। देखिए हमारी रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी न्यूज। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का ये महोत्सव चल रहा है, इसी को लेकर आज हम भिंड जिले में पहुंचे हैं, जहां जाने माना गौरी सरोवर तालाब पर यहां पीछे भी लिखा है आई लव भिंड। यहां आओ, चलो जानते हैं जनता की, वोटरों की क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश गौतम है, मैं यहीं भिंड का रहने वाला हूं। 7 तारीख को भिंड दतिया में वोटिंग होना है, आप किसको चुनना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि इस बार बदलाव हो। जी बदलाव होना चाहेंगे तो आप जैसे दतिया से लोकसभा से सांसद महोदय जीतने के बाद क्षेत्र में कितनी बार आए? मुझे नहीं लगता कि जब से वो जीते हैं यहाँ पे उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य किया गया है। उसका एक जीता जाता उदाहरण आपको यहाँ सामने दिख रहा है, गौरी सरोवर। पिछले 5 सालों में इस पर 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसकी दशा आपको दिख रही है यहाँ पे कि 15 करोड़ रुपए इसकी साफ सफाई पे ही खर्च हो चुके हैं। इतने में एक नया तालाब बन जाता और नए तालाब को पुनः भरा जा सकता था। किसानों के लिए और महिलाओं को सुरक्षित के लिए कितना व्यवस्थित है? देखो किसानों की बात की जाए तो किसानों को उनके जो उनकी फसल की मूल वैल्यू है उसका दाम नहीं मिल पा रहा है, उनको उनका MSP नहीं मिल पा रहा है। और किसानों के लिए इस सरकार ने उनके लिए जो काले कानून लाई थी और काले कानूनों को फिर उनको वापस लेना पड़ा उनको, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सरकार किसानों की कितनी तैसी है। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिलाओं का तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आए दिन इस रोड पे ही छेड़खानी होती रहती है, आए दिन पुलिस लगानी पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ का जो मुख्य केंद्र है, यहाँ शिक्षा का केंद्र कहते हैं इसको, हाउसिंग कॉलोनी, वहाँ पे भी आए दिन जो हमारी युवतियाँ हैं वो काफ़ी असुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को। युवाओं के लिए क्या देखो युवाओं के लिए भिंड जिले में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे उद्योग नहीं है जिससे कि उनको यहाँ पे लोकल में ही रोज़गार मिल सके। लोकल का छोड़िए, यहाँ से बहुत से लोग आज पलायन की समस्या भी यहाँ पे बड़ी स्तर पे बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो गांव के निवासी हैं वो आए दिन देखा जा रहा है कि वो सूरत और अहमदाबाद में जाकर अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप की जाए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, तो क्या है कि यहाँ के लोगों को, लोकल को यहीं पे उनको रोज़गार मिल सकेगा। लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं दिख रही है जिससे कि युवाओं को उनके रोजगार देने की कोई भी इच्छा हो। तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? तो मैं चाहता हूँ इस बार बदलाव हो, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। सरकार से क्या अपेक्षा रखेंगे आप? सरकार से अपेक्षा रखेंगे उनका जो भी उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उन्होंने जो अपना न्याय पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हर साल उन्होंने लोगों को 30 लाख जो सरकारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं केंद्र में उनको जल्द से जल्द भरा जाए सबसे पहले। और दूसरी मुख्य मुद्दा ये रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा कि दिल्ली में मॉडल चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक के जैसा कोई भी मॉडल यहाँ पे अपनाया जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे देखा जाए सिर्फ यहाँ पे एक विद्यालय है जो कि उसको मॉडल स्कूल के रूप में बनाया गया है, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी विद्यालय नहीं है जिससे कि शिक्षा का स्तर मजबूत हो सके, कुछ भी किया जा सके। मैं स्वयं PhD कर रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यही है कि पिछले 5 से 10 सालों से यहाँ पे कोई भी रोजगार का सृजन किया ही नहीं गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश गौतम। देखिए जी, देखना चाहेंगे युवा में एक रोजगार को लेकर के एक रोष है और हर अपने योजनाओं के लिए परेशान चले जी। जानना चाहेंगे हमारे युवा साथी और खड़े, क्या नाम है भैया? आदर्श सिंह कुशवा, ग्राम बारौली खुर्द। क्या चाहते हैं आप 7 तारीख को, किसका वोट करना चाहते हैं, किसको? बिल्कुल BJP, संध्या राय जी। संध्या राय जी ने आप 5 साल में कितनी उपलब्धियाँ की हैं, कितना भिंड के लिए दिया है? कई बार बहुत बार दिया है, बहुत कुछ दिया है संध्या राय ने। देख लो ये भिंड, अभी आज से 5 साल पहले का ही भिंड देख लो, बिल्कुल बहुत कुछ किया है संध्या राय जी ने। किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए बराबर भाजपा सरकार बराबर सम्मान निधि डाल रही है और कई योजनाएँ हैं किसानों के लिए। आप युवा हैं तो युवाओं के आपके लिए क्या किया है सर? युवाओं के लिए तो बराबर अभी भी आई थी कुछ भर्ती, बराबर भर्ती निकाल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी ने निकाली थी, अभी मेधावी छात्र योजना निकाली, कई योजनाएं निकाली। तो आप क्या चाहते हैं? क्या भाजपा सरकार? 7 तारीख को वोटिंग होना है, आप किसको चुनना चाहते हैं? यहाँ से तो देखो चंबल आंचल से अपने BJP की वोट मिलते हैं
और जहाँ तक है मेरे ख्याल से 99.99% बीजेपी ही आएगी। और अपने यहाँ से संध्या राय को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, 5 सालों में कार्य भी उन्होंने अच्छा किया, अच्छा विकास किया है और ऊपर से भी अच्छा कार्य हो रहा है, तो बीजेपी को जनता चुनेगी। और सर्वे के दौरान भी जब कार्य होते हैं तो जनता बीजेपी को ही चुनती है और उन्हें ही वोट देती है, कोई किसी पार्टी का ऊपर से दबाव नहीं है। आज की डेट में जनता हमारी आज़ाद है डेमोक्रेसी में, तो खुद निर्णय लेगी, खुद वोट देगी और बीजेपी ही जीतेगी 100%। सांसद महोदय जी, सांसद बनने के बाद क्षेत्र में कितनी बार आई है? क्षेत्र में अब तक तो हमेशा उनके कार्य चलते ही रहते थे, अभी आप देख रहे हो जहाँ तक बैठक चल रही होगी जगह जगह कार्य चल रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं यहाँ पर अपने। ये तो चुनाव है, चुनाव में सभी आ रहे हैं। चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले जब वो चुनाव जीती थी उसके बाद कितने? बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू आ रही थी। बिल्कुल क्या उपलब्धियाँ दी है? देखो के लिए क्या उपलब्धि रही, कांग्रेस आएगी तो कार्य बिल्कुल नहीं होगा, और पिछले कुछ विगत वर्षों में कार्य बिल्कुल नहीं हुआ। अब भाजपा आएगी तो लोगों को एक उम्मीद रहेगी, एक्सपेक्टेशन रहेगी, कार्य अच्छे होंगे आने वाले सालों में। आप खुद ही देखिएगा क्या विकास हो रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहे हैं अपने शहर में। आप शहर की बात करो, राष्ट्र की बात करो, केंद्र तक की बात करो, तो भाजपा ही आएगी। कांग्रेस वाले खुद आप सोचे विकास नहीं करना चाहते। आपने कहा भाजपा आई तो अच्छा विकास होगा, 35 साल से भिंड दिया लोकसभा पे, बीजेपी ही जीत रही है, क्या क्या विकास किया अभी तक, क्या काम किया उन्होंने, क्या कारण आया? देखो विकास कर रही है तभी जनता खुद निर्णय ले रही है और कैंडिडेट्स को जो बीजेपी के उन्हें वोट भी दे रही है। आज की डेट में अपनी जनता है, आज़ाद है, वो खुद चुन रही है कि वोट किसे देना है, किसी को जिताना है, केंद्र में किसे रखना है, राज्य सरकार में किसे रखना है। तो इसीलिए बीजेपी को मौका दे रही है क्योंकि उन्हें एक आस है कि बीजेपी अच्छा कार्य करेगी, जनता के लिए कुछ अच्छा करेगी, भारत के लिए अच्छा करेगी। अच्छा आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या किया है बीजेपी ने? युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, आने वाले टाइम में अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं, नौकरियाँ भी आने को हैं, अच्छी अच्छी स्कीमें आ रही हैं। आप शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में देख लीजिए, उन्होंने कितनी स्कीमें निकाली, लाडली बहना योजना के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं निकाली हैं उन्होंने और जनता फ़ायदा भी उठा रही है। भिंड जिले में युवाओं को कितना रोज़गार मिल रहा है? देखो भिंड जिले की तो बात ऐसी है कि यहाँ विगत कुछ वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो अब जैसे आप राकेश चौधरी भी यहाँ के मंत्री थे और भी कुछ लोग थे तो उन्होंने आप कार्य देख सकते हो। अब कुछ टाइम पहले आप यहाँ जो गौरी की हालत देख सकते हो कुछ टाइम पहले कैसी थी, जब बीजेपी सरकार में संजीव सिंह कुशवाहा थे तो उन्होंने अच्छा कार्य कराया, उससे पहले भारतीय उससे थे बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से, तो उन्होंने भी अपडेट होकर सीधे बीजेपी में आए, अच्छा कार्य किया, कार्य हो रहे हैं। नहीं जैसे 35 साल से भिंड दतिया है लोकसभा में बराबर बीजेपी के सांसद बन रही हैं और लगभग 18 साल से बराबर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही, फिर भी अभी तक इतना रोजगार को लेकर, इतना काम के लेकर के क्यों लेट हुआ, क्या कारण? देखो हर चीज़ में समय लगता है, कार्य प्रगति पर है, धीरे धीरे काम हो रहा है, समय लगेगा लेकिन अच्छा होगा कार्य, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, लोग आज खुद वोट दे रहे हैं, ईवीएम में जाके बीजेपी को टच कर रहे हैं, तो कुछ तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, कुछ तो उन्होंने भविष्य के बारे में सोच रखा होगा। चलिए आइए जानते हैं हमारे और भी युवा साथी खड़े हैं, उनकी क्या राय है। मेरा नाम पीयूष यादव। कहाँ से हैं? झांसी मोहल्ला। फ्रेंड मैं लोकसभा दतिया 7 तारीख को वोटिंग होना है, आप किसको जिताना चाहते हैं, किसको वोट करना? मैं इस बार कांग्रेस को वोट देने जाऊँगा अपना। कांग्रेस को क्यों? इसलिए देने जाऊंगा जो बीजेपी सरकार में काफ़ी ज़्यादा घोटाले हो रहे हैं इस बारे में, पटवारी के पेपर हुए थे उसमें भी घोटाले हुए थे और हर एक पेपर में ज़्यादातर घोटाले हो रहे हैं। यूपी पुलिस का भी हुआ था उसमें, वो पटवारी घोटाला यूपी पुलिस में भी हुआ था, ज़्यादातर पेपर हो रहे हैं, लीक हो जाते हैं, कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है इस वजह से। आप सरकार से क्या अपेक्षा रखती है? अपेक्षा बस यही रखते हैं सरकार से कि नौकरी सही टाइम पर निकालें और उनका पेपर सही तरीके से हो, लीक वगैरह ना हो, ज्वाइनिंग सही हो। सांसद महोदय जीतने के बाद क्षेत्र में कितनी बार आई है भिंड? भिंड में मैंने तो देखा ही नहीं है, बहुत कम आई है लगभग, ना के बराबर। क्या 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 उपलब्धि दी है भिंड के लिए उन्होंने? इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं जिस फील्ड में जी हमारे युवा साथी और भी बैठे हुए बगल में उनसे भी बात करते हैं। भैया क्या नाम है अपना? मेरा नाम शोभित अधौरिया है। कहाँ से हैं आप? मैं झांसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जिस 7 तारीख को भिंड जिले में भिंड दतिया में वोटिंग हुआ है, आप किसको जिताना चाह रहे हैं? देखिए सर, मेरा वोट तो हमेशा गोपनीय है और पहली बार मैं 18 का हुआ हूँ, इस साल मैं लोकसभा का वोट डालूंगा, ठीक है, मेरा वोट गोपनीय है लेकिन मैं हमेशा विकास के लिए ही वोट करूंगा। अभी मैं पहली बार वोट कर रहा हूं इसलिए मैं विकास को देख के वही वोट करूंगा। मैंने पिछले साल देखा है सांसद जी ने कोई विकास नहीं किया, ना सांसद जी सिर्फ प्रचार के लिए आई हैं, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो तब प्रचार कर रही हैं।
ठीक है, तब से मैंने उनको सिर्फ दो बार देखा है, एक तब प्रचार पे वो आई थी, हेमा मालिनी के साथ आई थी तब, आज इस बार मोहन यादव के साथ आई है, मैंने उससे पहले उन्हें कभी नहीं देखा। क्या नाम है सांसद महोदय का? संजय राय। किस पार्टी से है? भाजपा। तो जैसे आप वोट, आप पहली बार वोटिंग करेंगे, बहुत खुशी की बात, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। तो आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि हमारे ज़िले में, ठीक है, गांव में और शहर में रोड सही हो, विकास हो, गौरी, जो गौरी के नाम पे इतना फंड आता है, गौरी साफ स्वच्छ हो, ठीक है, इतना फंड आता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है कि गौरी के नाम पे कितना फंड आता है और कितना यूज़ किया गया है, ठीक है, उस हिसाब से देखा जाता है कि आप कितना गौरी को लेकर, ये देखिए आप जगह जगह देखिए जलकुंभी है, जलकुंभी के नाम पे इतना रुपए आया है कि साफ़ करने के लिए, इतनी अगर इतनी बार सफाई हुई, इससे इससे अच्छा तो अभी एक मशीन ले लेते, वो साफ सफाई करती रहती है, आपको भी पता है। तो बस मैं यही चाहता हूँ। और शिक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर भी एक अहम मुद्दा है कि नकल रोकने पर रोक लगाई जाए, नकल पर रोक लगाई जाए, पेपर लीक पर रोक लगाई जाए, यही तो मैं सरकार से गुहार करता हूँ कि इन दोनों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नाम के पी सिंह गोयल। कहाँ से? अपन जामना रोड बैंड बैंड दिया। लोकसभा में 7 तारीख को वोटिंग होना है, आप किसको चुनना चाहते हैं, किसको वोट करेंगे? अपन तो क्या है, जो अपने काम में आएगा और ईमानदारी से वोटिंग चलेगी, तो जहाँ तक है तथा ईमानदारी से वोटिंग होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। या तो ऐसा लगता है कि ईमानदारी से वोटिंग होती नहीं है, होना चाहिए तो बैलेंट पेपर से होना चाहिए, तो ईमानदारी सामने निकल कर आएगी। तो आप फिर भी किसको चुनना चाहते हैं? हमने तो यही कहा, ईमानदार होना चाहिए, उसको ही चुनेंगे। हमारा नाम है राजा वर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं जिला भिंड से हूँ। भिंड से लोकसभा कितने, लोकसभा से कितने प्रत्याशी अब की बार खड़े हुए हैं? लोकसभा से प्रत्याशी बहुत खड़े हैं, जैसे कांग्रेस भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है, टोटल मिला के 7-8 कांग्रेसी, 7-8 प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं भिंड जिले के अंदर। अच्छा, अब की बार के किसकी सीट निकलने वाली, किसको आप मतदान करने वाले हैं? अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो भिंड के अंदर सबसे ज़्यादा भाजपा की सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चरम सीमा पे है लोगों की, ठीक है, अगर देखा जाए तो गरीबों के साथ में अत्याचार हो रहा है सरेआम, नोटबंदी हुई है, महंगाई हुई है, अगर अब वर्तमान में देखा है तो कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए एमपी के अंदर। किसमें चमकाने वाले हैं जी? दादी क्या नाम है आपका? माना रामप्यारी। रामप्यारी दादी, लोकसभा चुनाव चल रहा है, यहाँ आप किसको वोट करना चाहती हैं? जो आता ही मिटा रहेंगे। नहीं, फिर भी कोई आपने चिन्हित तो किया हुआ, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई? मोदी को डालेंगे। अच्छा, मोदी को डालेंगे। मोदी को डालेंगे। मोदी ने आपके लिए क्या किया, कुछ सुविधा पहुँचाई है? का 600 रुपये महीना दे तो रहे, और का दे रहे? आपको पेंशन मिलती है? पेंशन तो 600 में लगे हो तो बढ़िया ही ना जवाब है। अच्छा, विकलांग तो बढ़ते हैं, बढ़ की मिंद नहीं मिलती विकलांग जी से। आप खुश हैं? ऐसा खुश है कि हम तो। 7 तारीख को मतदान होना है भिंड में, आप किसको चुनना चाहते हैं? आपकी बदलाव चाह रहा है। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या अब सरकार तो अच्छे काम होगी, अपनी क्या लालसा रखते हैं सरकार से, आप क्या चाहते हैं सरकार बदले? नौकरी निकाले, नौकरी लगावे, लगावे, बच्चे नहीं बंद कर देंगे। इससे पहले कौन सांसद था आपके? जी संध्या राय। किस पार्टी से थे? बीजेपी से। सांसद बनने के बाद क्षेत्र में कितनी बार आए? देखेंगे कौन सी पहचान नहीं पाओ। अच्छा, अभी तक आई नहीं है? नाम सुना है? मेरा नाम ध्रुव कुमार यादव। कौन सा गांव है ये? नालीपुरा। कौन से ब्लॉक में पड़ता है? आटेर में। जिला? जिला भिंड। यहाँ से पहले कौन सांसद था इससे पहले? संध्या राय। किस पार्टी से थी? बीजेपी से। सांसद बनने के बाद क्षेत्र में कितनी बार आए हैं? कोई भी बता नहीं सकता, पार्टी से जुड़ा होगा ना वो भी नहीं बता सकता है कि आई है या नहीं आई, वो भी उनके सामने खड़ा कर दो ना कि ये संध्या राय है तो बता भी नहीं पाएंगे ये संध्या राय। आप क्या चाहते हैं? पार्टी बदलेगी तो कुछ बदलाव आएगा, हर आदमी को मतलब वो मिलेगी, और जैसे कोई बदलते राज सही राज सरकार एक ही रहेगा तो वो सोचता है कि हमें ही है तो वो क्यों बदलाव लाएगा, इसलिए चाहते हैं पार्टी बदलेगी तो कुछ ना कुछ सुधार आएगा। जी जी, देखना चाहेंगे सांसद, बीजेपी के सांसद संध्या राय के खिलाफ है, विरोध में कितने लोग हैं? सांसद इन लोगों का कहना है कि सांसद संध्या राय जितने सांसद बनने के बाद एक ही बार क्षेत्र में नहीं आई, अगर उनको सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो पहचान भी नहीं पाएंगे। आइए, हम जानते हैं हमारे युवा साथी भी और भी बैठे हैं। बता,
क्या नाम है भाई आपका? कौन सा गाँव है? अच्छा, 7 तारीख को वोटिंग होना है, आप किसको चुनना चाहते हैं? बरैया जी को। बरैया जी को क्यों, और भी पार्टी है, ऐसा क्यों आपने सोचा? अरे ये बदलाव चाह रहे हैं, कुछ नई तरक्की लाएंगे, कुछ पुराने हो गए, नए को लाना है। बरैया जी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस। कांग्रेस से। इससे पहले कौन सांसद थे यहाँ? संजय राय। संजय राय सांसद बनने के बाद कितनी बार आपके गांव में आए? हमने देखा ही नहीं है अभी तक। आपने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। कांग्रेस सरकार से आप क्या लालसा रखते, क्या चाहते हैं आप? अब जो को नई तनखीने लाएंगे वो। सांसद संजय राय ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या कितना किया, कुछ किया है आप पढ़ाई को लेकर? देखा ही नहीं ना, कुछ ना बोला ही नहीं। आप पहली बार मतदान करेंगे या पहले भी कर चुके हैं? पहली बार। अच्छा, पहली बार करेंगे, तो आप पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप सरकार से और क्या अपने लिए क्या लालसा रखते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? सबको हम क्या लालसा रखते हैं देखना चाहेंगे। हाँ, सांसद संध्या राय को लोग जानते भी नहीं, इनका कहना है अभी तक सांसद संध्या हमारे क्षेत्र में नहीं है, अगर उनसे सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो ये पहचान भी नहीं पाएंगे। सांसद संध्या राय हैं जी। नमस्कार। 24 के दंगल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो इज 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस के मसल्स प्रॉब्लम थी, जैसे मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका मैंने। हाँ, मतलब मैं गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज़ अब बेटर है।